कौशाम्बी जिले में पांचवें चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से शैलेंद्र कुमार ने 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। कलेक्ट्रेट परिसर को फूल मालाओं और बैलून से सजाया गया है। एक जनप्रतिनिधि का, सांसद का, एक विधायक का एक और जहां दायित्व होता है कि क्षेत्र की कमियों, क्षेत्र की समस्याओं को अपने सदन में उठाए, वहीं उसका ये भी दायित्व होता है कि वो जनसुलभ हो ताकि जनता उनसे जब चाहे अपनी समस्याओं को बता सकें और उनका निराकरण करवा सकें, उनका निदान कर सकें। कौशाम्बी लोकसभा की अगर बात की जाए तो जो मौजूदा सांसद हैं वो निर्वाचित होने के बाद जनता के बीच में आए नहीं, और इसके साथ ही साथ अन्य जो प्रत्याशी हैं वो मंच से ही इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि उनको चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन पर मुकदमा कायम किया है। ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये इसलिए नहीं है कि एक प्रत्याशी दूसरे को कितनी तेज़ गाली दे सकता है, कितनी ज़्यादा निंदा कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, और यही बताने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाते हैं कि एक और जहां विकास में गति आएगी वहीं प्रत्याशी सांसद होने के बाद जनसुलभ होंगे और जन समस्याओं का निराकरण करने में तत्पर रहेंगे।